कर्नाटक की राजनीति में एक सेक्स सीडी को लेकर बवाल मचा हुआ है। आरोप है कि इस सीडी में जल संसाधन मंत्री रमेश जाकरीहोली एक महिला के साथ नजर आ रहे हैं। मामला सामने आते ही विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो गई हैं और सभी रमेश जाकरीहोली के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कल्लाहली ने सीडी जारी करते हुए आरोप लगाया कि मंत्री रमेश जाकरीहोली ने महिला को नौकरी दिलाने के नाम पर उसका यौन शोषण किया। दिनेश ने कर्नाटक पुलिस को मंत्री रमेश के खिलाफ महिला के यौन शोषण की शिकायत भी दी है। हालांकि अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। विपक्षी पार्टियां मांग कर रही हैं कि न केवल रमेश का इस्तीफा हो बल्कि उन पर आपराधिक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। एक महिला को नौकरी देने का वादा किया गया था, मंत्री ने इसके लिए अपने कार्यालय का इस्तेमाल किया और अपने पद का दुरुपयोग किया। आरोप ये भी है कि महिला का नौकरी के नाम पर यौन शोषण करने के बाद वो मुकर गए। सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश के मुताबिक महिला को मंत्री से अपनी जान का खतरा है, इसलिए वो आगे आकर महिला की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी ओर रमेश जाकरीहोली का कहना है कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। मंत्री की सेक्सिडी सामने आने के बाद कर्नाटक में राजनीतिक पारा बढ़ गया है और विपक्ष पूरी तरह से सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया है। वहीं येदुरप्पा सरकार खुद को इस मुसीबत से निकालने के उपाय खोजने में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम चैनल।